एक मछली गायब है, एक मछली से, एक मछली तालाब से गई छपाक। जिंदे अच्छे चेंटिस कर रहे हैं जी आप उस घर तो खोलो नहीं हुआ आज निकल आओ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। तो जी आज धूप जो है बहुत जबरदस्त निकली है और आज हमें कुछ करना भी है जबरदस्त चीजें हमारे फिश एक्वेरियम के साथ। देखो फिश एक्वेरियम हमारा जो है बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, यहाँ से देखो ये पूरा गंदा हो चुका है, लेकिन आज इसकी सफाई करनी है। इसमें फिशेस भी हम तीन ही है हमारे पास, जो कि आज हम इंशाल्लाह इसमें नई फिशेस भी लाएंगे। ये देखो एक गोल्ड यहाँ से छुपी हुई है, वो निकली वहां से ये, और एक छोटी फिश है वो भी यहीं पे होगी किसी जगह पे। तो आज इसको पूरा साफ करते हैं, इसमें नया पानी डालेंगे, पहले थोड़ा सा पानी निकाल के फिशेस को उसमें डाल दें और फिर जो है इसको हम पूरा साफ करेंगे एक्वेरियम को। और अब वो मेरी हेल्प करेंगे, पानी इसमें फ्रेश वाटर हम डालेंगे। तो इसमें जो है टैप वाटर नहीं डालना पड़ता, इस एक्वेरियम में हम डालेंगे जी फ्रेश वाटर जो कि पहाड़ों से आता है, वो वाला पानी इसमें डालेंगे, पहाड़ों वाला पानी। और इसमें फिशेस जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर पाती है, और आज बाहर धूप भी अच्छी है तो ठंडे पानी से कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो ये देखो जी धूप लेकिन क्या है, आज बड़ी जबरदस्त धूप निकली है यहाँ से। तो अभी ये चीजें करते हैं और ये फ्रेम्स भी मुझे लगाने हैं, ये फ्रेम यहाँ पे किसी जगह लगा देंगे, लेकिन पहले इसको करते हैं, पहले ऑफिस भी खोलते हैं। ऑफिस हमारा अभी बंद ही, बिस्मिल्लाह, इसके भी कर्टन उठाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खुल जा सिम सिम, मस्त डन। हमारा गोल्डन मिराज का स्टॉक बहुत था, लेकिन अब थोड़े चंद पीसेस बचे हैं, ब्लैक ईगल भी कुछ ही पीसेस बचे हैं, उसके बाद हम नया स्टॉक रेडी करेंगे। इसमें से पहले थोड़ा सा पानी जो है वो बाहर निकालते हैं ताकि हम इसमें मछलियां ट्रांसफर कर सकें, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही हमें चाहिए। एक मछली गायब है, एक मछली से, एक मछली तालाब से गई छपाक। एक मछली सच में गायब है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं जो कि आए हैं मामाअर्थ से। उससे पहले हम एक हेयर इलास्टिसिटी टेस्ट करते हैं, देखते हैं हमारे बाल जो है इनमें कितनी ज्यादा इलास्टिसिटी है। एक मैं निकालता हूं जोर से खींच के, हाँ अब हम इसकी इलास्टिसिटी टेस्ट करते हैं। देखो ये बाल मेरे हाथ में, ये कैमरा में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम कट करते हैं, ये देखो ये बीच में कट गया, मतलब मेरे बालों में इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज को अब रिपेयर करना है, इस चीज को हमें ठीक करना है। इस चीज को ठीक करने के लिए मामाअर्थ लाया है मामाअर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू। इसमें है हिबिस्कस और इसमें है करी लीव्स, जो आपके डैमेज्ड बालों को रिपेयर करेगा और आपको देगा स्ट्रॉन्ग एंड नरिश्ड हेयर। मैंने इस प्रॉब्लम के लिए मार्केट से ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, लेकिन उनमें हमेशा केमिकल भरा हुआ होता है जो कि बालों को और ज्यादा डैमेज करते हैं, या फिर हम DIY यूज करते हैं घर में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और रेगुलर यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मामाअर्थ का हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू जो है ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है आपके बालों के लिए, आपके बालों को स्ट्रॉन्गर बनाएगा और नरिश करेगा आपके बालों के रूट्स को, ताकि आपके बाल जो है वो स्ट्रॉन्गर बने। और इसके साथ में है दूसरा मामाअर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर कंडीशन, आप इस शैम्पू के साथ में ही यूज कर सकते हो। मामाअर्थ आपकी सुनता भी है, तो आप मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स यूज कीजिए और अपना फीडबैक जो है इनसे शेयर कीजिए। आपने जो फीडबैक दिया है मामाअर्थ के अनियन शैम्पू को, उसकी वजह से इन्होंने अनियन शैम्पू को जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, और हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को जो है अपग्रेड करते रहते हैं थ्रू इनोवेशंस एंड रिसर्च, और इस चीज से आपके पास एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आ जाता है। जैसा कि आपको पता है मामाअर्थ के प्रोडक्ट जो है अमेज़न, नाइका, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन अब वो आपके नजदीकी ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। भी आपको मामाअर्थ का स्टोर देखे तो मैसेज या कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा, और अगर आप ये प्रोडक्ट मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज करते हैं तो मेरा कोड IDRIS2024 जरूर से यूज कीजिएगा, ताकि आपको 20% का डिस्काउंट मिले। मुझे मिल गई मछली किश्ती में, लेकिन शायद मर गई है। अच्छा मम्मी शेस हां क्या जी, я ж мамуц? Хм? Я ж мамуц. Я сзади мамуц? Я сзади мамуц.
इस तेल फंसा मुझे उस मुझे ना फंसे की खरी ना चीज ना चाहो उस ऐसे क्या पता बच जाए, कोशिश करते हैं बचाने की। क्या पता इसमें बच जाए। ये देखो जी एक्वेरियम बिल्कुल साफ हो चुका है, इससे पत्थर वगैरह सारे ग्रेवल्स निकाल दिए हैं और अभी मामा इसको साबुन दे रही है। अगर इनसे गॉड माई तेल ना गॉड मारन ना क्यों इस मारन ये कैसा बेस सा बेस दो फ्लैश वाटर से करना साफ। पता नहीं पानी से इसमें ये वाइटनेस क्यों आ जाती है, ये वाइट वाइट हो जाता है पानी से। हमारी मछलियाँ यहाँ से जो है बिल्कुल फिट है, लेकिन एक बेचारी मर गई है। अभी इसको बाहर दफनाते हैं, दो बिल्कुल परफेक्ट। आज इसकी इसके लिए मछलियाँ इंशाल्लाह ले आएंगे आज या कल में। ज़बरदस्त क्लीन हो गया बिल्कुल। अब इसमें जो है मछलियाँ हम डालेंगे, लेकिन पहले इसमें ग्रेवल्स वगैरह डालेंगे, वो बाहर सूखने के लिए रखी हैं। उसके बाद वो इसमें डाल के जो है फिर हम मछलियाँ इसमें डालेंगे। अब पहले चाय पीते हैं बलस। कश्मीरियों को जब तक लिप्टन चाय नहीं होगी ना 11-12 बजे तब तक फिर लंच का मूड नहीं होता। लंच का मूड तब बनता है जब 11-12 बजे जो है वो शुगर टी यानी लिप्टन चाय मिले। कच्छे इसको पूरा यहां तक फिल करना है। भाई अभी भी इसमें बहुत पानी आएगा, यहां तक फिल करना है, मैं थक गया। बस इतना काफी है, इससे ज्यादा और नहीं डाल सकते क्योंकि फिर मछलियां कूद सकती है। तो मैं अगर खुद के ही कर इतने पर हिमालय अगर बिना बॉटी इतना ज्यादा कोशिश करके और क्या खूबसूरत। अब इसमें बाद में मछली ऐड करेंगे, फिलहाल इसको फिल्टर होने देते हैं 2-3 घंटे के लिए पानी को, और उसके बाद फिशेस को इसमें डालेंगे। तब तक इसको ऐसे ही फिल्टर होने देंगे। मुझे कुछ पार्सल्स भी देने थे, वो कंप्लीट कर दिए मैंने। परफ्यूम कुछ श्रीनगर भेजने थे, एक्चुअली बल्क में भेजने थे। ये देखो जी अब देखो क्या क्लियर हो गया है पानी, बिल्कुल साफ। तो अभी ये मछलियाँ इसमें डालते हैं, अभी पानी बिल्कुल क्लियर है, तो अभी पानी का टेम्परेचर भी ठीक ठाक। तो अभी पहले गोल्ड को इसमें डालते हैं। एक बेचारी मर ही गई है, निकल आओ भाई। है शोर ना होने चुका। यस जाओ जी खुले पानी में एंजॉय करो। आह ये देखो कितना साफ पानी है इसके लिए, अब एंजॉय करो। अभी और एक की बारी है, एक ही है। जाओ जी आप भी आजाद हो जाओ। ऐश करो। देखो जी क्या खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। अभी इनको खाना नहीं देना है शाम को, इनको खाना हम शाम को दे देंगे, अभी नहीं।
इस व्लॉग को भी यही पे खत्म करते हैं। होप आपको किसी भी रीजन से आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।